25 सितंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम एवं कुष्ठाश्रम में जनसंत गुरु उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज ससंग का मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर वृद्धजनों ने गुरुवर का भव्य अगवानी कर स्वागत किया। जनसंत गुरु उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज एवं श्रमण मुनिश्री विसौम्य सागर जी महाराज मुनिश्री विश्वद्रग सागर जी महाराज ससंग का 25 सितंबर को जबलपुर स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम एवं कुष्ठाश्रम में मंगल आगमन हुआ, जहां उपाध्याय संघ की सभी वृद्ध जनों ने मंगल अगवानी की। इसके बाद उपाध्याय श्री के मंगल प्रवचन हुए, जिसमें उपाध्याय श्री ने वृद्ध जनों से कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, ना कोई अपना है, सब अपने मतलब की दुनिया है। जीवन के दिनों में मानव जीवन में कभी दो पहलू होते हैं, एक सुख का होता है तो एक दुख का होता है। और सुख और दुख जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ऐसे जीवन के दो पहिए हैं, एक सुख का और एक दुख का। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन। ये तो गाड़ी के पहिए हैं, लेकिन सुख में और दुख में दोनों में अपन को जीवन जीना और उसमें सुव्यवस्थित जीवन जीना, ये बहुत बड़ी कला है। इस दौरान जनसंत गुरु उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज ने देवेंदु जी एवं रिवेंदु सिंह अधीक्षक, संतोष सिंह कार्यालय सहायक को पुस्तक भेंट की। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से अंकुश जैन की रिपोर्ट।